Hey guys, good evening. Welcome back to my channel and welcome back to a fresh new vlog. After our Darjeeling series, this is going to be the first vlog from Kolkata again. मेरे Darjeeling series में जितने सारे सवाल आए हैं, queries आए हैं, मैंने सोचा है कि मैं उसको address करूँगी एक के बाद एक. सबसे common जो question था या request था वो है जो pet stroller हम carry कर रहे थे Darjeeling trip में उसका link. सबने मांगा है, ऑलमोस्ट सबने. फिर मैं यहाँ पे देखूँ कमेंट सेक्शन तो आई थिंक आई हैव गॉट 40 to 50 कमेंट्स यहाँ पे और मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में सिर्फ इसके लिंक के लिए. द स्ट्रॉलर दैट वी वर कैरिंग ड्यूरिंग आवर Darjeeling ट्रिप वो हमें बहुत काम आया है, लेट मी टेल यू गाइज दैट फर्स्ट. और वो हमने ऑर्डर किया था ऑनलाइन, बहुत ही जल्दी उसका डिलीवरी भी हो गया था ट्रिप से पहले. बट आई थॉट ऑफ शेयरिंग दैट विद यू गाइज लेटर वंस वी आर डन विद द ट्रिप बिकॉज आई वॉन्टेड टू यूज इट फर्स्ट बिफोर आई शेयर द डिटेल्स विद यू. इट्स अ प्रिटी एक्सपेंसिव प्रोडक्ट. मुझे लगता था कि सबसे पहले मैं खुद यूज करूँ, अगर मुझे अच्छा लगा, ड्यूरेबल लगा, काम का चीज लगा तभी मैं जाके सबके साथ शेयर करूंगी. तो ये है वो स्ट्रोलर जो घूम के आने के बाद हम लोगों ने फिर से ऐसे अच्छे से कवर करके रखे हैं क्योंकि दिस इज अ वेरी वेरी यूजफुल थिंग एंड नाउ इट इज अ प्राइसलेस थिंग टू अस. इंडिया में बहुत सारे ऑप्शन तो नहीं है पेट स्ट्रोलर का, तो पहले हमने सोचा था बेबी स्ट्रोलर ले लेंगे बट बेबी स्ट्रोलर में पेट को कैरी करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. तो बहुत ढूंढने के बाद हमें ये पेट स्ट्रोलर मिला ऑनलाइन. और एक तो ऑनलाइन खरीद रहे थे तो वो एक डर था कि कैसा क्वालिटी आएगा, दोनों को साथ में कैरी कर पाएंगे कि नहीं. कि फॉर अस कैरिंग टू स्ट्रॉलर्स अलॉन्ग विद टू पेट्स मेक नो सेंस, तो इसलिए हमने एक ही स्ट्रॉलर लिया. इसका जो कैपेसिटी है, जितना वेट ये कैरी कर सकता है, दैट वॉज रिटन अराउंड 20 kgs. बट आई वुड सजेस्ट टू गो अबाउट 15 to 16 kgs, नॉट मोर देन दैट. वो एकदम हिली रोड था, या तो वी आर गोइंग अप या तो वी आर गोइंग डाउन, काफ़ी रफ रोड्स भी थे. तो वहाँ पे हमें अच्छे से काम आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है. शुरू में एक प्रॉब्लम जो हो रहा था, जो हम लोग आपको ट्रेन से बता रहे थे कि इसके जो फ्रंट व्हील्स है वो खुल रहा था, बट दैट वॉज आवर फॉल्ट, वी कुडंट फिक्स इट वेल. बट बाद में जब हमने उसको अच्छे से देख के लॉक कर दिया, उसके बाद एक भी बार वो प्रॉब्लम नहीं हुआ. तो ये जिस दिन हमें मिला था उसके बाद हमने जब इसको असेंबल किया था उसका एक वीडियो हम शूट करके रखे, क्योंकि मुझे ये मैं हमेशा से जानती थी कि मैं डिटेल वीडियो उसके बारे में शेयर करूँगी अगर ये अच्छा निकला तो. तो वो मैं पहले आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि इसको पहले सबसे पहले हम लोगों ने असेंबल कैसे किया था. मोस्ट आई थिंक 70% ऑफ इट केम असेंबल्ड ऑलरेडी. सिर्फ इसकी जो व्हील्स हैं वो इससे अलग थे, जिसको हमको सेट करना पड़ा पूरा. वो आपको हम अच्छे से जो वीडियो में शूट करके रखी हूँ वो आप देख लीजिए, वहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा और इसके साथ आपको इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएगा कैसे करना है. तो एक बार आप लोग देख लीजिए और फिर वापस आके इसके बाकी की डिटेल्स आपके साथ शेयर करें. First thing first, let me tell you that this pet stroller, as she was mentioning, is good for if you have small breed pets. Like, so if you have Shih Tzus, Chihuahuas or maybe Pug and other small breeds. So if you have a small breed pet, this will be useful for that. I will try to explain both in English and Hindi. So it will be useful, but if you have large breeds, then it is not going to fit for them. That is number one. Number two is that this is a very very strong enough, but try to avoid too much of rough roads and too much of rough handling.
and ensure that the weight that she mentioned already. Rough roads mein ye handle karna thoda mushkil hoga, to avoid karne ki koshish kijiye aur jahan tak ho sake weight ka thoda dhyan rakhiye, because agar aap do pets ko carry kar rahe hain aur unka weight 15 kilos se zyada hai तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, तो फिर क्योंकि उसका वेट ज़्यादा नहीं ले पाएगा। अभी मैं इसको दिखाता हूँ, इसको हमने कैसे कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो ये उसका कवर है जो हम वैसे ही देके रखे हैं। नाउ ही इज़ गोइंग टू गिव यू द डेमोन्स्ट्रेशन पार्ट कि इसको कैसे खोलना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे लॉक करना है। सो दिस इज द सेक्शन। नाउ इफ आई डू इट लाइक दिस, दिस बिकम्स लाइक अ स्टॉलर। ऐसे किया तो एक स्टॉलर बन गया, फिर और कुछ नहीं, इसको बस सामने खींच के ऐसे ये बस लॉक हो गया। दिस इज हाउ इट शुड लुक लाइक आफ्टर यू ओपन इट। और अभी इसका थोड़ा बैक साइड भी इसके साथ पहले दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी ये स्टॉलर मूव नहीं करेगा अगर आप ज़्यादा पुश नहीं करोगे, तो दिस स्टॉलर विल नॉट मूव बिकॉज इट इज लॉक्ड। तो अभी देखते हैं इसका लॉक कैसे खोलते हैं। जैसे आपके पास अगर रेगुलर स्टॉलर है तो वैसे भी हो जाएगा। इफ़ यू हैव अ रेगुलर स्टॉलर, दिस इज द सेम लॉकिंग प्रोसीजर। यू जस्ट ओपन दिस एंड दिस विल बी देन रोलिंग। So this part you need to lock it properly. If you need to pull it all the way up and then lock it properly so that this is strong enough. ये जो सामने वाला व्हील है, ये जो सेक्शन है, इसको आपको ठीक से इसको अंदर घुसा के इसको ठीक से लॉक करना है। तो इसके बाद बस उनको बिठाइए और रोल कीजिए। So now we will just show you how to do that. So this is their section where they will sit. ये उनका जगह है तो पहले उनको ही बिठाते हैं। वो बहुत एक्साइटेड है फिर से बैठने के लिए। हाँ, दिस इज कियारास प्राइवेट व्हीकल। ओके, कियारास प्राइवेट व्हीकल, प्राइवेट व्हीकल पसंद है। सो आई विल शो यू द फ्यू गुड थिंग्स अबाउट दिस स्ट्रॉलर। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्पेस इज इनफ फॉर फ्लरी एंड कियारा। इंश्योर दैट अगेन यू हैव योर पेट इज कंफर्टेबल इन इट। एंड एक और चीज मैं रिकमेंड करूंगा, वन मोर थिंग आई रिकमेंड, दैट इज कि अगर जितना भी हो सके आप उनको पहले दो चार बार इस स्टॉलर में मूव करवा के कंफर्टेबल हो जाइए, क्योंकि उनको थोड़ा कंफर्टेबल होना जरूरी है। यू हैव टू मेक देम कंफर्टेबल, सो ट्राई टू यू नो मेक देम यूज दिस कपल ऑफ टाइम्स बिफोर यू टेक देम आउट फॉर योर यू नो ट्रैवल और समथिंग, विच वी डोंट डू मच ऑफ्टन बट स्टिल इट्स एन ऑप्शन। ये सामने एक जिप है, इस जिप को आप खोल सकते हो, तो इसको यहाँ से भी दिखेगा क्यों, ठीक है। हाँ, तो यहाँ से भी दिखेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज दिस आर ऑल नेट्स, सो देयर विल बी एयर व्हिच विल बी पासिंग थ्रू, इट इज नेवर कवर्ड। तो दिस इज अ वेरी कूल थिंग एंड इट्स आल्सो गुड फॉर विजिबिलिटी। दे विल नॉट फील क्लॉस्ट्रोफोबिक, क्योंकि एक बहुत ही यहाँ पे जो कपड़ा है एक ब्लैक मोटा पैराशूट कपड़ा टाइप है ना, बाकी के ये जो जगह है यहाँ पे एंड बैक साइड में भी एक बड़ा सा नेट है, सो योर पेट विल नेवर फील क्लॉस्ट्रोफोबिक। इफ दे सिट, इफ दे लाई, वॉट एवर दे डू, दे कैन सी थिंग्स आउटसाइड। आई थिंक इट इज कम्फर्टेबल इनफ फॉर लाइट एंड एयर टू पास थ्रू। हवा और लाइट दोनों जाने के लिए आपके पेट के लिए बहुत ही कम्फर्टेबल होगा। ये इसका पहला चीज़ जो कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे। दूसरा चीज़ ऑब्वियसली है कि आप इसका ये हुड जो है इसको यहाँ पे डाल सकते हो। सो यू कैन एक्चुअली यूज दिस हुड इफ यू वांट टू कवर ओनली द हुड जस्ट फॉर देम टू गिव देम सम शेड। या इफ दे इट्स वेरी सनी आउटसाइड और इट्स ड्रिजलिंग, यू कैन एटलीस्ट कीप दैट शेड करने के लिए यहाँ पे डाल सकते हो। इसके साथ बहुत ही एक माइन्यूट चीज भी मैं दिखा देता हूँ। वन मोर थिंग आई विल शो यू। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया, इफ यू लुक थ्रू माय आईज, सो बेसिकली यू कैन आल्सो सी योर पेट इनसाइड एंड यू विल बी कंफर्टेबल दैट दे व्हाट दे आर डूइंग, वेदर दे आर कंफर्टेबल इनसाइड और नॉट। सो जैसे कि मैंने बताया, ये वाला सेक्शन अगर आप ओपन कर देंगे तो आपको आपका बच्चा जो है वो यहाँ से आपको दिख जाएगा, तो यू विल बी कंफर्टेबल के आपको दिखेगा कि वो सही सलामत है, क्या कर रही है, क्या कर रहा है, सब कुछ दिख जाएगा आपको यहाँ से। So this is a very cool thing which I like. Now coming on to the back side, again the back side is not you cannot open it, but this has the same similar sort of net which is not very cheap type. It is quite decent enough and it has the air and light that can pass through. Most of the times in our case Kiara was actually looking through this. Right. Coming to the final part or the one of the most important features jo ki iske liye bahut hi important hai, is this cover, right? So this cover is, let me open this first. So ye actually yahan se aap isko open kar sakte ho. You can actually open it from here and you can just not use the net here.
बट जब भी आपको नेट को यूज करने की जरूरत पड़े, वेन एवर यू नीड टू यूज दिस नेट, यू पुल इट डाउन लाइक दिस। यहाँ पे जो जिप है उसको इसके साथ लगा दीजिए, अटैच द जिप लाइन। जिप लाइन अटैच होने के बाद यू कैन क्लोज दिस डाउन। सो अगर जिप लाइन अटैच हो गया तो आप इसको ऐसे क्लोज कर सकते हो। और जैसे आप देख रहे हो कियारा को, नाउ यू कैन सी कियारा, शी इज़ वेरी कंफर्टेबल इन दिस बिकॉज शी हैज़ बीन इन दिस फॉर कपल ऑफ टाइम्स एंड शी एक्चुअली लाइक्स ट्रैवलिंग इन दिस। बेनिफिट ऑफ दिस इज अगेन ऑब्वियसली लाइट एंड एयर इज कॉमन विच इज गोइंग टू गो थ्रू दिस, एंड देन ऑल्सो इट इज सेफ फॉर योर पेट्स दैट दे विल नॉट जंप आउट। कियारा हु काइंड ऑफ यू नो बार्क्स एट मोस्ट ऑफ हर अदर फरी फ्रेंड्स, so it's very safe for her to be inside and not jump out. Also I would like to mention one thing, if you are going to a place which is little crowded or which is kind of a overwhelming situation for them, so this net will help them to stay calm and also they will not be bothered by others outside, be it human or be it dogs, and also they will not bother others and people will also feel safe around. So last but not the least, इसमें एक और एक सेफ्टी फीचर है, वो है ये। सो दिस एक्चुअली यू कैन हैव योर पेट यू नो टाइड विद अ लीश एंड दैट लीश यू कैन टाई विद दिस वन। डोंट टाई द लीश डायरेक्टली फ्रॉम द नेक, ट्राई टू डू इट फ्रॉम द चेस्ट सो दैट इट्स इजियर फॉर देम टू मूव। सिमिलरली देयर इज वन मोर हियर व्हिच गॉट लॉक्ड समवेयर, वो यहां पे थोड़ा लॉक हो गया है, अटक गया है, बट यहां इस साइड में भी एक है। तो एक्चुअली देयर आर टू so that your pet is safe, and if you are carrying two pets, तो बहुत ही safe है वो। ये total procedure है। कियारा, अभी थोड़ा उठो यहाँ से। Yes, is super comfortable in this stroller. अच्छा, wow. Now comes the next one, which is to fold it. Fold करने से पहले lock these two. ये दोनों जैसे ही आपका lock हो जाएगा, यहाँ पे एक sign दिया गया है, यहाँ पे एक button है। तो इस button को push करके, इसको सामने हिला के बस, then this entire thing will be folded. So ये था सारे pros about this stroller. There is only one con about this stroller, that is इसको clean करना, इसके wheels को clean करना. जब हम लोग Darjeeling से वापस आए, it was like excessively dirty, insanely dirty I would say. किसी के chewing-gum अटका हुआ था, पता नहीं कहाँ कहाँ, किसी के पॉटी वॉटी के ऊपर से भी गया होगा। तो हम लोग इसको घर पे नहीं घुसाए थे, इसको वॉशरूम में रखे थे, एंड उसके बाद इसके जो व्हील्स है उसको क्लीन करने में दीपांजन को काफ़ी 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 तकलीफ हुआ, और वो हम जेट स्प्रे के मदद से फिर सोप वाटर से क्लीन करके उसको रखे हैं। फ्लरी कम्फर्टेबल है, इफ यू पुट ओनली फ्लरी इन टू दिस स्ट्रॉलर शी इज़ कम्फर्टेबल। She doesn't like to be touched by anyone, not even Kiara. जब सोती है तब सिर्फ Kiara चाहिए। आप लोगों को पता है मेरी फ्लरू थोड़ी सी स्नॉब है, थोड़ी सी नहीं काफ़ी स्नॉब है। क्यू इज़ वे इजी गोइंग स्वीटी पाई। नाइस मामा, नाइस नाइस नाइस। बोनू को ज़्यादा अटेंशन मिल गया ना, इसलिए अभी तुमको भी थोड़ा मिल रहा है। जेन्युइन फीडबैक है, इट इज़ वेरी हेल्पफुल इफ यू आर ट्रैवलिंग फॉर लॉन्गर टाइम। जैसे कि हम लोग दार्जिलिंग गए थे तो बहुत ही हेल्पफुल हुआ, एंड देन वी रियलाइज कि इफ़ वी हैड दिस स्ट्रॉलर इन आवर प्रीवियस ट्रिप्स वेयर वी हैव बीन विद फ्लरी एंड कियारा, द लाइफ वुड हैव बीन मच इजियर बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी गो ऑन कैरिंग देम और बीन ऑन लीश, बट दिस इज़ वेरी इजियर एंड कन्वीनियंट फॉर देम। उनको ज़्यादा चलने की जरूरत नहीं है, एट द सेम टाइम दे कैन एंजॉय एवरीथिंग, और वो आपके पास है, आपके साथ है, तो यू विल बी रियली कंफर्टेबल, दे विल बी आल्सो रियली कंफर्टेबल। सो वी गॉट दिस वन फ्रॉम Amazon, उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया है, आप लोग चेक कर सकते हो। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि इसका वेट कितना है, ये बिल्कुल ही लाइट वेटेड है ये स्ट्रॉलर, जब ये बिल्कुल फोल्ड हो जाता है और उसके बाद उसको कैरी करना भी बहुत ईजी है, क्योंकि हम लोग दार्जिलिंग में जहाँ पे रह रहे थे जिस स्टे में, उसमें ऑलमोस्ट 15-20 स्टेप्स हमें क्लाइंब करना पड़ता था अपार्टमेंट तक पहुँचने के लिए। तो द एंटायर ट्रिप विश्वजीत यूज टू कैरी द स्ट्रॉलर बिकॉज वी यूज टू कैरी दीज टू, बट ये बहुत ही लाइट वेट है तो उसके कोई चिंता नहीं है। कार के डिकी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम फ्लैट होके बिल्कुल फिट हो जाता है। इसका प्राइस हमको अप्रोक्सीमेटली 7500 रुपीस लगा था, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा हायर रेंज पे है एंड ऑप्शंस बहुत कम है, तो मुझे लगता है ऐसे मेरे को रिक्वेस्ट करना चाहिए कि इंडिया में जितने भी
pet brands hain, brands which are dealing with pet products and pet related items, I would request them to please come up with strollers with pretty decent price point, because these are very expensive, and there are even expensive ones available in Amazon. You can go and 50,000 tak hai, 50-60,000 ka bhi, because most of these are imported, so the cost is going high. But this is not something difficult that we cannot make. जैसे कि हम बेबी स्ट्रॉलर्स ऐसे ही बहुत बनाते हैं इंडिया में, वैसे भी अगर हम इसका भी प्रोडक्शन शुरू कर देंगे इंडिया में, तो आई थिंक द कॉस्ट विल ऑटोमेटिकली कम डाउन. एक छोटा चीज मैं और दिखा देती हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा बैग आता है इसके साथ, जिसको हमने खोल के रखा है क्योंकि हमें वो कोई काम नहीं आ रहा था. उसमें आप लोग अगर हो सके इनके बोल बॉटल्स ये सब कैरी कर सकते हो. एक छोटा सा यहाँ पे बैग आता है जिसको इसके साथ अटैच कर देना पड़ता है. सो आई होप आप लोगों को ये यूजफुल लगा. बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछ रहे थे, मैंने इसलिए पूरा एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर बना दिया. अभी फ्यूचर में भी कोई अगर दार्जिलिंग ब्लॉग देख के पूछते हैं तो मेरे पास ये वीडियो हमेशा रहेगा कि मैं उनको बस ये फॉरवर्ड कर दूंगी. तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं वापस जाऊँ और फिर शांति से इसको यूज करने के बाद एक अच्छा सा आपके साथ रिव्यू भी शेयर कर दूँ और प्रोडक्ट की जो बिल्कुल सारी डिटेल्स है वो भी शेयर कर दूँ. इसके बाद भी अगर किसी को कोई क्वेरी है, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, एक लाइक करना पड़ेगा. और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. टेक केयर गाइस, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ एंड स्टे ऑसम. बाय बाय.